A particle moves from the point 2i plus 4j meter at t equal to 0 with an initial velocity of 5i plus 4j meter per second. तो पहले पार्टिकल यहाँ था, इस वेलोसिटी से मूव करता है. इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4i प्लस 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकंड्स. तो आइए डिस्टेंस निकाल लेते हैं. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना है इनिशियली? 5i प्लस 4j. और टाइम कितना दिया गया? 2 सेकंड. प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 4i प्लस 4j. तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा एग्जैक्टली फ्रॉम दैट टाइम. ठीक है, और फिर हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया उसने, विल सी हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट इज फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है. डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन पहले हम ये निकाल लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है अभी यहाँ पे? 10i प्लस 8j प्लस 2i प्लस 2j, दैट इज वी गेट 12i प्लस 10j. सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन. अब इसको हम ठीक से बना लेते हैं कि हो क्या रहा है सवाल में. तो यहाँ पे एक एरर भी ठीक कर लेते हैं. मैंने टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ. सो इन मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 2 से तो मैंने काट ही दिया था, 4 से गुणा कर देते हैं. सो 8 और 10 विल बी 18, और 4 टू द 8 एंड 16. तो 18i प्लस 16j इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियली जो पोजीशन हमें दे रखी थी. अब उसको ग्राफ बना के देखें रैंडमली, पता चलेगा क्या मतलब होता है इसका. देखिए, तो इनिशियली हम बोल सकते हैं कि से आर वन पोजिशन पे था पार्टिकल 2i प्लस 4j. इसको मैं बोल रहा हूँ 2i 2 और ये 4, तो काफ़ी अच्छा बन गया वैसे तो बिना ध्यान दिए 2i प्लस 4j. ठीक है, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट 18i प्लस 16j का हुआ है. डिस्प्लेसमेंट 18i प्लस 16j का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है ये. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 18i प्लस 16j है, और ये फाइनली हमारी फाइनल पोजीशन है. ये फाइनल पोजीशन हमको निकालनी ओरिजिन से, ये बात ध्यान रखें. यानी कि जो भी फाइनल पोजीशन होगी जो हमको नहीं पता है, इसको हम RF भी लिख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है, वो माइनस इनिशियल पोजीशन, चाहे तो इसको R2 बोल दें, R2 माइनस आर वन, ये एक्चुअली में 18i प्लस 16j है. ये कहने का मतलब है आप इस एरो पे लिख सकते हैं 18i प्लस 16j. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइनल जो यहाँ पे निकला है वो क्या है? फाइनली जो पोजीशन होगी माइनस जो इनिशियल पोजीशन थी उसके बीच में 18i प्लस 16j आप लिख सकते हैं यहाँ पर. ये हमने सॉल्व किया है अभी, और हमें निकालना तो आर टू है क्योंकि हमसे बोला क्या गया है वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन. सीधे हमें आर टू ही निकालना है. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि आर वन क्या होता है, 18i प्लस 16j प्लस आर वन दैट इज 2i प्लस 4j. सो वी गेट 20i प्लस 20j. सो आर टू एंड देन फाइनली आर टू को हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालना है यानी कि स्केलर क्वांटिटी, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 रूट 2 मीटर्स. दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन.